नमस्कार, मैं उप्रिया। आज 20 अप्रैल चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 9वीं और 10वीं की कक्षा के लिए ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने का जारी किया आदेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छात्रों का समय बर्बाद होता देख साथ ही छात्रों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करवाने का निर्देश जारी किया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिलों के डीएम, पुलिस अधीक्षक, विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक समेत अन्य अधिकारियों को ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कराने का निर्देश जारी कर दिया है, जिसके बाद आज से शिक्षा विभाग द्वारा दूरदर्शन बिहार पर ऑनलाइन पढ़ाई के लिए 1 घंटे का स्टॉक बुक किया गया है। नालंदा में एक डॉक्टर हुए कोरोना से प्रभावित। जहां कोरोना के रोकथाम के लिए डॉक्टर्स दिन रात करके लोगों को इससे बचाने में लगे, वहीं अब नालंदा से एक डॉक्टर में कोरोना प्रभावित होने की खबर सामने आई है, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। वहीं डॉक्टर के संपर्क में आए सभी लोगों को आइसोलेशन में डाल दिया गया है। साथ ही और लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है, जिन्हें भी अब जांच करवाने की पहल तेज की गई है। ज्ञात हो बिहार में लगातार कोरोना से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में हर दिन मामलों की बढ़ती संख्या सरकार की परेशानी का सबब बनी हुई है। बिहार में 3000 उद्योगों को खोलने की तैयारी हुई शुरू। बिहार में एक बार फिर से लगभग 3000 औद्योगिकी विभाग को खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यह सभी उद्योग केंद्र सरकार द्वारा 20 अप्रैल के बाद चालू हो जाएंगे। इसके साथ ही गृह विभाग की ओर से केंद्र निर्देशों का हवाला देते हुए सभी जिलों के औद्योगिकी गतिविधियों चालू करवाने का सहयोग के लिए पत्र भेज दिया गया है। सभी लोगों को इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने का भी खास ध्यान रखने को कहा गया है। लॉकडाउन के बीच बिहार को अन्य परेशानियों से निकालने में जुटी है सरकार। लॉकडाउन के बीच सरकार बिहारवासियों को अन्य दूसरी परेशानियों से निकालने की मुहिम में जुटी है, जिसके तहत हर साल बाढ़ की समस्या से जूझ रहे बिहार को अब निकालने के लिए बिहार सरकार का जल संसाधन विभाग ने जोर शोर से तैयारियों की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत विभाग ने प्रदेश के विभिन्न नदियों पर बने बांधों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। वहीं इस काम के लिए सरकार द्वारा जारी की गई जरूरी गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है, जिसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों की सफाई का खास ध्यान रखा जा रहा है। लॉकडाउन में गैरेज, स्पेयर पार्ट्स की दुकान को खोलने का जारी किया गया आदेश। लॉकडाउन के माहौल के बाद आज से बिहार में कई चीजों को छूट देने की पहल तेज की गई है, जहां पर सरकारी दफ्तरों के अलावा कई अन्य कंपनियों को भी खोल दिया गया है। इसके साथ ही सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार बंद के दौरान बिहार में गैरेज और स्पेयर पार्ट्स की दुकान को खोलने का आदेश जारी किया गया है, जिसकी जानकारी परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के डीएम, एसपी और एसएसपी को निर्देश देते हुए दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि मालवाहक वाहनों की मरम्मत हेतु स्पेयर पार्ट्स की आवश्यकता होगी, ऐसे में इन दुकानों का खुलना आवश्यक है। पटना में कोरोना पॉजिटिव महिला के संपर्क में आए 12 लोगों को किया गया आइसोलेट। पटना के खजपुरा में मिली कोरोना पॉजिटिव महिला के संपर्क में 12 लोगों को आइसोलेट कर दिया गया है, क्योंकि प्रभावित महिला से और भी लोगों में कोरोना होने की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं पटना नगर निगम की टीम बीते दिन पूरे इलाके को सैनिटाइज करती भी देखी गई है। वहीं प्रशासन ने उस इलाके के लगभग 3 किलोमीटर एरिया को पूरी तरीके से बंद करने का ऐलान जारी किया है। वहीं आसपास के सभी लोगों की स्क्रीनिंग तेज करने की पहल भी की है। बंद के माहौल में मछली पार्टी करना पड़ा शिक्षा मंत्री के स्टाफ को भारी। जहां एक तरफ कोरोना ने अभी आम नागरिकों की परेशानी बढ़ा रखी है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने एहतियात के तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है, लेकिन इन सब का पालन नहीं करते हुए शिक्षा मंत्री के स्टाफ समेत 25 लोगों ने बंद के इस माहौल में मछली पार्टी करना ज्यादा जरूरी समझा, जिसके बाद न सिर्फ सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश का पालन नहीं किया गया, बल्कि अपनी सेहत के साथ भी खिलवाड़ करते देखा गया, जिसके बाद शिक्षा मंत्री के इन सभी स्टाफ के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने का आदेश जारी किया गया है। कोरोना की स्थिति को समझाते हुए एक बार फिर से इन्हें नियमों की याद दिलाई गई है। भोजपुर में मिला पहला कोरोना पॉजिटिव। भोजपुर में एक 25 वर्षीय कोरोना प्रभावित पाया गया है, जिसके बाद जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग सख्ते में आ गए हैं। खबरों की माने तो मिला युवक हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर से अपने गांव आया था। वहीं जांच रिपोर्ट आने के बाद जिलाधिकारी के आदेश पर चिकित्सकों की टीम गांव के लिए रवाना हो गई है। वहीं युवक के परिवार के सभी सदस्यों के अलावा उसके संपर्क में आने वाले सभी लोगों के सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया है। बिहार के लगभग 3 लाख किसानों के खाते में जाएंगे पैसे। बेमौसम हुई बरसात के कारण किसानों की बर्बाद हुई फसलों के लिए सरकार अब उन्हें पैसे देने वाली है, जिसके तहत सरकार ने लगभग 3 लाख किसानों के खाते में पैसे भेजने का ऐलान जारी किया है। खबरों की माने तो सरकार ने किसानों के खाते में 215.16 करोड़ रुपए भेजने का ऐलान जारी किया है। किसानों का यह पैसा फसल बीमा की जगह शुरू की गई फसल सहायता योजना के तहत भेजा जाएगा। आपको बता दें, खरीफ में बाढ़ के जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है, उनकी सहायता के लिए सहकारिता विभाग ने यह कदम उठाने का ऐलान जारी किया है। बिहार के 4 TB सेंटर्स पर शुरू होगी कोरोना की जांच। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए बिहार के 4 TB सेंटर्स पर अब जांच की शुरुआत की जाएगी। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग का यह फैसला पटना में हाल ही में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज के सामने आने के बाद लिया गया है, जिसके बाद TBDC में जांच की शुरुआत करवाई जा रही है, जिसमें हर 700 सैंपल की जांच किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं बिहार में लगातार कोरोना के मामले में इजाफा देखा जा रहा है।
जदयू ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज। कोरोना के बढ़ते असर के बीच राजनीति भी बिहार में जोर शोर से देखने को मिल रही है। इसी क्रम में जदयू मंत्री नीरज कुमार ने हाल ही में तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि तेजस्वी जी, कोरोना से बचाव हेतु सुरक्षात्मक उपायों में बिहार सरकार ने अपनी तरफ से मुहिम को तेज करते हुए घर घर सर्वे आरम्भ कर दिया है। वहीं आप इस सर्वे का प्रोफॉर्मा उदाहरण पेश करें जिससे स्वीकार्यता भी बढ़ेगी। आखिर लोगों को तो पता चले कि आपने इतने दिनों में देश विदेश में कहाँ कहाँ अपनी यात्राएं की हैं, कहीं आपको सर्दी खांसी की तकलीफ तो नहीं है। कोरोना से निपटने में प्रशासन के साथ एनडीआरएफ की टीम भी दिन रात कर रही है काम। कोरोना से निपटने के लिए जहां हर तरफ प्रशासन और मेडिकल टीमों की सराहना की जा रही है, वहीं उनकी मेहनत दिखाई दे रही है। वहीं इनके साथ एनडीआरएफ के बचाव कर्मी भी दिन रात लगे हुए हैं। बिहार के बक्सर, नालंदा, सिवान, बेगूसराय, मुंगेर, गया, नवादा तथा पटना जिला में कोरोना प्रभावित व्यक्तियों के मिलने के बाद 9 बटालियन एनडीआरएफ के बचाव कर्मी राज्य व जिला प्रशासन तथा मेडिकल टीमों के साथ लगातार काम कर रहे हैं, जिसके बाद जगह जगह जाकर सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को जोर शोर से करते देखा गया है। बिहार में आज से निर्माण सामग्रियों की खुल जाएगी दुकान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी डीएम और एसपी को निर्देश जारी करते हुए बिहार में आज से निर्माण सामग्रियों की दुकान को खोलने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत आज से निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली सामग्री हो यानी कि गिट्टी छड़ की दुकानें खोल दी जाएंगी, जिसके तहत गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी डीएम एसपी को भेजे गए पत्र में स्पष्ट रूप से लिख चुके हैं कि बंद की अवधि में इन दुकानों को खोला जाए, निर्माण कार्य आसानी से और बिना किसी रुकावट के पूरा हो सके। हालांकि सरकार ने यह साफ तौर पर कर दिया है कि आज से काम पर जाने वाले सभी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को समय समय पर करते रहने की अपील की है। बिहार में बीते दिन कोरोना प्रभावित व्यक्तियों के नए मामले आए सामने। बिहार के नालंदा, बक्सर और भोजपुर जिले में रविवार को कोरोना प्रभावित 7 व्यक्तियों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद जिले में कुल मिलाकर आंकड़ा 93 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार नालंदा जिले में 4, बक्सर जिले में 2 और भोजपुर में 1 मामला सामने आया है, जिसके बाद इन सभी के परिजनों को आइसोलेशन में डाल दिया है। साथ ही इनके संपर्क में आए लोगों की भी जानकारी तलाशी जा रही है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर सरकार से पूछा सवाल। प्रशांत किशोर ने हाल ही में कोटा से वीआईपी छात्रों को प्रदेश में दोबारा लाने और कोटा में फंसे अन्य छात्रों को नहीं लाने पर सवाल उठाया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि जब सरकार ने बिहार के छात्रों को कोटा से लाने से मना कर दिया है तो विधायक के बेटे को कोटा से लाने की विशेष अनुमति क्यों दी गई। कोटा में फंसे बिहार के सैकड़ों छात्र लगातार अपील कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह कहकर खारिज कर दे रहे हैं कि ऐसा करना लॉकडाउन की मर्यादा के खिलाफ होगा, मगर उन्हीं की सरकार ने एमएलए को कोटा से अपने बेटे को लाने की विशेष अनुमति दे दी थी। गोवा कोरोना को हराने वाला पहला राज्य बना। कोरोना के रोकथाम में जहां एक तरफ सभी राज्य दिन रात लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, जिसके तहत हाल ही में गोवा द्वारा कोरोना की परीक्षा को पास करने की खबर सामने आई है। खबरों की माने तो गोवा में कोरोना पॉजिटिव सभी मरीज बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, वहीं कोई नया मामला सामने नहीं आया है, जिस पर सीएम प्रमोद सावंत ने बताया कि 3 अप्रैल 2020 के बाद से राज्य में कोई कोरोना प्रभावित नया मामला नहीं आया है, जिससे कि अब दूसरे राज्यों को काफी ज्यादा हिम्मत मिली है। वहीं सभी राज्य कोरोना के रोकथाम के लिए गोवा मॉडल को अपनाने का भी सोच विचार कर रहे हैं। कृष्णनंदन वर्मा पर टीईटी शिक्षक संघ ने कसा तंज। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा पर हाल ही में शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक अमित विक्रम ने तंज कसते हुए कहा है कि शिक्षा मंत्री लगातार शिक्षकों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ शिक्षा मंत्री यह कह रहे हैं कि शिक्षक समाज और राज्य की धरोहर है, वहीं सरकार उनके विषय में चिंतित है, वहीं दूसरी तरफ अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहे शिक्षकों पर निलंबन और सख्त से सख्त कदम उठाने की पहल भी तेज करते देखे जा रहे हैं। अगर शिक्षा मंत्री सच में चाहते हैं कि सभी शिक्षक अपनी मांग को छोड़कर काम पर लौट जाए तो पहले उन्हें वार्ता का माहौल बनाना होगा। 20 अप्रैल से कृषक सेवा केंद्र खोलने का दिया गया आदेश। विस्कोमान के प्रबंध निदेशक ने 20 अप्रैल यानी कि आज से कृषक सेवा केंद्र को खोलने का आदेश जारी किया है, जिसके बाद राज्य के सभी 175 कृषक सेवा केंद्रों को आज से खोल दिया गया है, जिससे कि अब किसानों को हो रही और बाकी सभी परेशानियों में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। हालांकि कोरोना के कारण विस्कोमान प्रबंधक ने सभी की सुरक्षा हेतु कृषक सेवा केंद्र को कुछ समय के लिए बंद करने का ऐलान जारी किया था, मगर अब केंद्र सरकार की अपील के बाद इसे फिर से खोलने का निर्णय लिया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय अब जन्मदिन मनाने के लिए घर पर केक और टॉफी भेजने का कर रही है काम। कोरोना के बढ़ते असर को रोकने के लिए देश भर में बंद का माहौल है, वहीं जहां एक तरफ सभी पुलिस की सख्ती देकर परेशान है, वहीं दूसरी तरफ बिहार पुलिस मुख्यालय का एक नया चेहरा सामने आया है, जिसके तहत बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे लगातार पुलिस कर्मियों से इस घड़ी में सेवा भाव से काम करने की अपील कर रहे हैं। साथ ही जन्मदिन मनाने में भी लोगों की काफी मदद कर रहे हैं, जिसके बाद कई जिलों में पुलिस वाले केक और गिफ्ट लेकर बर्थडे वाले घर में जा रहे हैं और बर्थडे विश करके अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं भी दे रहे हैं।
तेजस्वी यादव ने की दूसरे राज्यों में फंसे बिहारियों को एक बार फिर से लाने की अपील। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा बंद के ऐलान के बाद जो जहां है वहीं पर फंस गया है। इसी क्रम में हजारों की संख्या में बिहारी प्रवासी दूसरे राज्य में ही फंसे रह गए। वहीं सरकार ने उन्हें हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन तो दिया है, मगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बार बार सरकार से अपील करते हुए देखे गए हैं कि उन सभी को अपने अपने घर पर वापस लाया जाए। जिसके तहत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए एक बार फिर से यही अपील की है कि भूखे प्यासे हैरान परेशान लोग ऐसे समय में किराए के मकानों को छोड़कर अपने घरों पर लौटना चाहते हैं। बात बस इतनी सी है कि बिहार सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। लॉकडाउन के बाद भी की गई हवाई और रेल सेवाओं को बंद करने की सिफारिश। मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार से बंद की अवधि के बावजूद हवाई और रेलवे सेवाओं को कुछ समय के लिए बंद करने की अपील की गई है। हाल ही में मंत्रिमंडल समूह ने यह अपील की है, जिसके तहत समूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सिफारिश करते हुए यह कहा है कि अभी इस तरह के हालात नहीं है और आम जनता के लिए ट्रेन शुरू करने से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना असंभव हो जाएगा। ऐसे में कुछ समय के लिए इन सेवाओं को बंद रखना ही सभी के लिए हितकारी साबित होगा। हालांकि नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पहले ही विमानन कंपनियों से 3 मई के बाद की बुकिंग नहीं करने की अपील की थी। जेईई मेंस की परीक्षा होगी जून में। जेईई मेंस की परीक्षा के आयोजन को लेकर अहम खबर सामने आई है, जिसके तहत इस परीक्षा का आयोजन जून महीने में करवाने का ऐलान जारी किया गया है। जिसकी जानकारी रमेश पोखरियाल ने देते हुए यह कहा है कि जेईई मेंस परीक्षा के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय अगली तारीखों की घोषणा करने से पहले जेईई और नीट के तार्किक संचालन में शामिल परीक्षाओं, आईआईटी और अन्य एजेंसियों के बोर्ड जैसे स्टेक होल्डर से परामर्श कर रहा है। जो भी फैसला होगा वह जल्दी परीक्षार्थियों को बता दिया जाएगा। कोरोना की परीक्षा में बिहार है सबसे आगे, उक्त दावा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में कोरोना की परेशानी का सामना करने में बिहार सबसे आगे निकल गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रवासियों को 1,000 रुपए की मदद देने और स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने और घर घर जाकर व्यापक सर्वेक्षण स्क्रीनिंग और प्रभावितों की पहचान करने की बात भी कही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में कोरोना का मजबूती से मुकाबला किया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि दूसरे राज्यों की तुलना में आबादी के बाद बिहार में अब तक कोरोना प्रभावितों की संख्या काफी कम है। कोरोना के बढ़ते असर के बीच इरफान पठान ने ट्वीट कर लोगों से की अपील। कोरोना के बढ़ते असर के साथ साथ धर्म की राजनीति भी जोर शोर से चल रही है, जहां तबलीगी जमात के मामले की पुष्टि होने के बाद इस मुद्दे ने तुल पकड़ लिया है और पूरे मुस्लिम समुदाय को इसमें लेना शुरू कर दिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने फैन से एक खास सवाल पूछा है, जिसके तहत उन्होंने लिखा कि मान लीजिए धर्म के टॉपिक को एक बार के लिए हटा दिया जाए तो इसके बाद आपके पास बात करने के लिए सबसे रोचक टॉपिक कौन सा होगा? शायद नौकरी, ग्रोथ, खेल, सिनेमा, चैरिटी, जिंदगी, भारत का नंबर वन बनना या सम्मान या आदर्श। लॉकडाउन के बाद रविवार को भी चलेंगी कक्षाएं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की पहल को तेज कर सकती है। खबरों की माने तो बंद के असर के खत्म होने के बाद रविवार को भी कक्षाएं आयोजित की जाएंगी, ताकि निर्धारित 200 दिवसीय 1200 घंटे की पढ़ाई को पूरा किया जा सके। वहीं बंद के बाद छुट्टियों में भी कमी आने की उम्मीद जताई गई है। खबरों की माने तो इस साल छात्रों को मिलने वाली छुट्टियों को कम किया जाएगा। इसके साथ ही जितने दिनों के लिए स्कूल बंद है उतने दिनों तक ऑनलाइन शिक्षा के लिए राजधानी में अधिकांश स्कूलों ने स्टडी मटेरियल तैयार कर लिया है और छात्रों को भेज दिया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सिकंदर कुमार, पारस कुमार, मुकेश मुस्कान, अमरेंद्र बाहुबली, विकास कुमार, होम डिजाइन, हेमंत सिंह, सुधीर कुमार, अमरेश कुमार, पुष्पेंद्र चौधरी, रविंद्र कुमार, पंकज कुमार, पूजा सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। मगर आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, सरकार द्वारा किसानों के खाते में बर्बाद हुए फसलों के एवज में राशि देने का फैसला किसानों के लिए कितना मददगार साबित होगा? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।